iOS 16 अपडेट आपने कर लिया होगा फॉर द सपोर्टिंग डिवाइस फ्रॉम आईफोन 8 सीरीज से लेके आईफोन 14 सीरीज। एंड अगर आपने अपडेट कर लिया तो काफी कुछ नई चीजें आपने एक्सप्लोर कर लिया होगा, बट शायद कुछ हिडन ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। आज की वीडियो में जानेंगे। दिस इज मी अनिरुद्ध एंड यू आर वॉचिंग iGeeks Vlog हिंदी। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू ऑन iOS 16 इज कि आप कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी वैल्यूज का इन नोट्स या फिर इन फोटोज। कन्वर्जन जैसे कि हाइट हो गया या फिर करेंसी हो गया या फिर वॉल्यूम, यू कैन डू इट ऑल। नॉट जस्ट ओनली दैट बट कैमरा ऐप के अंदर भी आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। एंड साथ ही साथ कैमरा ऐप के अंदर ही आप करेंसी कन्वर्जन को कर सकते हो। ये जो यूज केस है काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि कहीं पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लैंग्वेज प्लस करेंसी कन्वर्जन काफी ज्यादा बेनिफिटिंग रहेगा। ऑल्सो ऑन द लॉक स्क्रीन अब जो हम विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि इन विजिट्स में शो किए जाते हैं। एंड इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। जैसे भी आपको थीम पसंद है आप उस हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हो। नाउ ऑन द लेटेस्ट iPhones अब जो है हम बैटरी परसेंटेज को भी देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द फोन इन iOS 16। इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज गो टू सेटिंग्स, फिर बैटरी एंड देन टॉगल ऑन बैटरी परसेंटेज। ऑल्सो नाउ इन iOS 16 जितने भी डिवाइसेस में फेस आईडी अनलॉक है वो सारे डिवाइसेस जो है लैंडस्केप में भी फेस आईडी को डिटेक्ट करके अनलॉक कर सकती है डिवाइसेस को। विच मीन्स कि अब जो है आप सोते हुए भी गलती से अगर फोन को लैंडस्केप में रखते हो यू कैन अनलॉक दैट डिवाइस। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, वो ये है कि आईफोन 13 सीरीज एंड ओनली आईफोन 14 सीरीज में अभी तक के लिए सपोर्टेड है। एंड आई गेस फ्यूचर में हमें बाकी डिवाइसेस में भी देखने को मिलेगा, बट दैट्स समथिंग एप्पल जो है हमें बताएगा फ्यूचर में कि ये होता है या नहीं। ऑल्सो जो आईफोन में डिफॉल्ट कीबोर्ड हमें मिल जाता है वहां पर अब जो है ईच की प्रेस के लिए हम वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं जो कि हैप्टिक्स कहलाती है। एंड इसे भी आप अभी टर्न ऑन कर सकते हैं। तो अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाओ, साउंड्स एंड हैप्टिक्स, इसके अंदर कीबोर्ड फीडबैक, देन टॉगलिंग ऑन हैप्टिक। वैसे हे आई मैसेज यूजर्स, अगर आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे मैसेज को अंडू या फिर एडिट करने का, तो नाउ इट्स फाइनली हेयर इन iOS 16। अब जो आप किसी भी मैसेज को एडिट कर सकते हो विद इन 15 मिनट्स एंड किसी भी मैसेज को अनसेंड कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स। अगर गलती से किसी को गलत मैसेज भेज देते हो या फिर कुछ भी गलत टाइप हो जाता है किसी रॉन्ग पर्सन को, तो सारी चीजें अब आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी। मैं जो काफी ज्यादा खुश हूँ अबाउट स्पॉटलाइट जो कि हमें अब बॉटम सेक्शन में मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा ईजी टू एक्सेस हो जाता है। मतलब अगर आप एप्स वगैरह को सर्च करना चाहते हो तो सिंपली वन हैंड में ही आप इजीली कर सकते हो। एंड ऑल्सो कैलकुलेशन वगैरह भी करना हो तो वो सारी चीजें अब इजीली वन हैंड वे में कर सकते हो। काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर ऑन iOS 16 जो कि मेरा काफी हद तक फेवरेट है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को फ्रॉम द इमेज आप जो है ड्रैग कर सकते हो, उसे जो है कैप्चर कर सकते हो एंड आप जो है सेंड कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बैकग्राउंड से ये डिटैच हो जाता है, सो एक तरीके से एक PNG फॉर्म में विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आप सेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर वैसे एप्पल का मशीन लर्निंग यूज होता है। अनदर कूल फीचर ऑन iOS 16 वो ये है कि अब जो है वाईफाई पासवर्ड को भी आप पता कर सकते हो जिससे आपने कनेक्ट किया हो, जस्ट इन केस अगर आप भूल जाते हो कि वाईफाई पासवर्ड क्या था मेरे घर का। अब अगर आपके घर में कोई दोस्त आया है उसके साथ शेयर करना चाहते हो तो अब जो है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो इजीली एंड उनके साथ वो पासवर्ड आप शेयर कर सकते हो। वैसे डुप्लीकेट फोटोज एंड वीडियोस काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती है एंड इसे डिलीट या फिर मर्ज कर लेना काफी ज्यादा अब आसान हो गया ऑन iOS 16। ऑल यू नीड टू डू इज अपने फोटोज ऐप में जाओ, देन एल्बम एंड स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे तक एंड यू विल फाइंड डुप्लीकेट फोटो। यहाँ पे जाइए एंड यू कैन डू फोटो मर्ज या फिर फोटोज को डिलीट भी कर सकते हो। ऑल्सो अब हिडन एल्बम को भी पासकोड या फिर फेस आईडी से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गया एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। एंड हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को ये चीज पता लगे कि आपने हिडन एल्बम क्रिएट किया है एंड वो जाके उस चीज को चेक कर पाता था, बट नॉट इन iOS 16। नाउ इन iOS 16 अब जो है मल्टीपल फोटोज को इजीली एडिट कर सकते हैं। वंस यू एडिट वन फोटो जहां पर आपने सारे एडिटिंग कर दिए है, उनके सेटिंग्स को आप कॉपी कर लीजिए एंड यू कैन पेस्ट इट ऑन अनदर फोटो। ऐसे कर करके आप मल्टीपल फोटोज में कर सकते हो। सो काइंड ऑफ ये प्रीसेट की तरह वर्क करता है, जस्ट लाइक स्नैपसीड या फिर आप अगर यूज करते हो लाइट रूम तो कुछ उसी तरीके से ये भी आप वर्क करता है। एंड ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है अगर आप फोन में ही सारी चीजें करते हो। दैट्स इट, आपका क्या फेवरेट था आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं हमें। एंड ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दिस इज मी अनिरुद्ध एंड I will meet you in the next one.